दोस्तों इंडिया और श्रीलंका दूसरे T20 मैच के लिए यहाँ पे प्लेइंग 11 आज यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी ने घोषित कर दी है। जी हाँ दोस्तों, बता दूं मैं आपको कि टीम इंडिया की जो प्लेइंग 11 होने वाली है श्रीलंका के खिलाफ दूसरे T20 के मैच में, वो पहले मैच जैसी बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि पहले मैच में संजू सैमसन को तो बाहर का रास्ता दोस्तों दिखाना एकदम यहाँ पे संभव पूरी तरीके से हो गया, क्योंकि वो एक बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा रहे थे। और यहाँ पे कुछ ऐसे बल्लेबाज हैं जिनका बाहर जाना तय है। तो बता दूं मैं आपको कि यहाँ पे एक संजू सैमसन जो है आपको प्लेइंग 11 में बदलाव होते हुए देखने को मिलेंगे। वहीं पे हर्षल पटेल को भी बाहर बैठाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, हर्षल पटेल को भी बाहर बैठाया जाएगा और संजू सैमसन को भी बाहर यहाँ पे बैठाया जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद बात की जाए तो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 उसी कदर होगी। शुभमन गिल और ईशान किशन यहाँ ओपनिंग करने उतरेंगे। तीसरे नंबर पे सूर्य कुमार यादव आपको देखने को मिलेंगे। वहीं पे चौथे नंबर की बात की जाए तो ऋतुराज गायकवाड़ को टीम में शामिल किया जाएगा संजू सैमसन को हटा करके। उसके बाद हार्दिक पांड्या, उसके बाद यहाँ पे बाकी सारे जितने भी खिलाड़ी हैं वो आएंगे। और यहाँ पे बॉलर्स की बात की जाए तो बॉलर्स में आपको दीपक हुड्डा तो एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं ही। इसके बाद यहाँ पे उमरान मलिक, शिवम मावी और यहाँ पे युजवेंद्र चहल को भी रिप्लेस किया जा सकता है। तो दोस्तों आपको क्या लग रहा है टीम इंडिया की ये प्लेइंग 11 क्या आशा है T20 में, जीत दिला पाएगी? तो कमेंट में जरूर बताएं। इसी तरह की न्यूज़ के लिए चैनल के साथ बने रहें। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, आपका अपना दोस्त, धन्यवाद।